हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि जो आपका बजट है ना, जो पास होने वाला है आपकी स्कॉलरशिप का हो या फिर किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो ये बिल और बजट कब पास होंगे आप सभी को इतना तो पता है। विधानसभा में नया बजट जो है पास होने वाला है, तो वो बजट है क्या, उससे आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर अब भी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है कंप्लीट जानकारी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए हम यहां से अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राज्यपाल ने स्वीकृति दी है, पेपर लेस होगा सत्र, आपका भजन लाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को यानी 3 से सत्र शुरू हो जाएगा। जो भी आपका बजट है ना, ये जो विधानसभा में पास होगा 3 तारीख से शुरू हो जाएगा और 10 जुलाई को अंतिम बजट यहां से पेश हो जाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि अब की बार है ना, जो विभाग बजट पेश कर रहा है ना, ये पूर्ण बजट होगा। पूर्ण बजट का मतलब आप समझते हैं ना कि आपका ऐसा कोई भी विभाग नहीं रहेगा जिसके लिए बजट पास नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो लास्ट ईयर में कुछ कमी बजट पास हुआ था, इसलिए उसमें कुछ विभाग ऐसे रह गए थे जिनको पैसा नहीं मिला था बजट का। लेकिन इसमें अब सभी विभागों को अलग अलग डिवाइड वाइड पैसा मिल जाएगा। जो भी विभाग अपना काम कर रहा है उसे पेमेंट तुरंत की तुरंत सरकार देने वाली है। अब ये बजट होता है ना दोस्तों, इसमें आप देखिए नीचे की तरफ आपको दिखेगा केंद्र व राज्य सरकार के वित्त का उपयोग इसमें 60/40 के अनुपात में होता है। 3 किस्तों में वित्तीय सहायता आपको दी जाएगी। दोस्तों जो भी बजट आएगा ना, ये 3 किस्तों में आ जाएगा। 60% केंद्र सरकार से पैसा मिलता है और 40% मिलता है राज्य सरकार से। तो जो भी छात्र इस चीज़ के लिए बैठे हुए थे ना कि भाई जो बजट है कब आएगा, हमारा बजट कब पास होगा, तो दोस्तों बजट की डेट तो आ चुकी है। अब इसमें भी केंद्र सरकार अपना पैसा देने वाला है। जिन जिन छात्रों की केंद्र सरकार से पैसे की वजह से स्कॉलरशिप अटकी हुई थी ना दोस्तों, वो भी स्कॉलरशिप आपकी अब मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपना बजट यहाँ पर साथ के साथ राजस्थान सरकार को देने वाला है। तो दोस्तों आप क्या बजट पर मानते हैं कि बजट पास होने से आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी या फिर आपके बजट आएगा तो क्या राजस्थान सरकार के साथ साथ आपके विभाग का भी बजट आ जाएगा? इन दोनों बातों पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों हाँ, इतना ज़रूर है 10 जुलाई को बजट पेश होते ही 15 जुलाई से आपके पेमेंट, बाकी के छात्रों के नए छात्र हैं ना, ऐसे जिनके बिल नहीं बने हैं उनके बिल और पेमेंट साथ के साथ बनने लग जाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसे छात्र हैं जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों ओल्ड वालों के जिन जिन छात्रों के बजट बचे हुए पड़े हैं ना, उनके बिल बनेंगे 15 जुलाई से पहले भी एक बार बन जाएंगे। तो ये है अपडेट, आप इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।